नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता पाटिल। आप सबका फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हमने कल के वीडियो में क्या क्या देखा है और क्या क्या सीखा है आपको पता है ना? सभी को आता है ना? कल का वीडियो सबने देखा है ना? हाँ, तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला को सीखा है और अ से लेकर अह तक सभी मात्राओं को सीखा है, यानी कि स्वर की मात्राओं को सीखा है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं और कौन कौन से हैं? आदि को सीखा है ना, तो अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं? बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं। बिना मात्रा वाले शब्द में क्या क्या आता है बच्चों, आपको पता है ना? बोलो। दो अक्षरों से बने शब्द, तीन अक्षरों से बने शब्द, उसी तरह चार अक्षरों से बने शब्दों आते हैं ना, हमने कल के वीडियो में दिखा है ना बच्चों। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ का कोई चिन्ह नहीं है। आ से लेकर अह तक सभी मात्राओं को हमने देखा है। आ से लेकर अह तक की मात्रा किस तरह होती है और मात्रा लगाने के बाद शब्द कौन कौन से तैयार होते, हमने कल वाले वीडियो में देखा है। हमने ऐ की मात्रा को पूरी तरह से देखा है। ऐ की मात्रा किस तरह होती है, अक्षरों को किस तरह से लगाई जाती है, ऐ की मात्रा से बने चित्र कौन कौन से है, ऐ की मात्रा लगाने के बाद शब्द कौन कौन से तैयार होते हैं, और शब्दों से वाक्य बनकर नैना पाठ को भी हमने कल के वीडियो में देखा है। तो बच्चों, मेरे को बताओ कि आई के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? तो आई के बाद आने वाला वर्ण है ओ। तो आज हम ओ की मात्रा को दोहराएंगे, यानी ओ और औ की मात्रा का पुनरावर्तन करेंगे। ओ और औ की मात्रा को हमने पहले भी देखा है, इसलिए और एक बार उसको क्या करेंगे बच्चों, दोहराएंगे। तो ये क्या है बच्चों, ओ और औ की मात्रा। ओ की मात्रा किस तरह होती है बच्चों, यहां पर देखो, एक सीधी दंडी लेना, ऊपर एक टेढ़ी दंडी लगाना। ओ की मात्रा अक्षरों के आगे लगाई जाती है। ओ की मात्रा कहाँ पर लगाई जाती है, अक्षरों के आगे लगाई जाती है। और औ की मात्रा, ओ की मात्रा जैसे अक्षरों के आगे लगाई जाती है ना, उसी तरह औ की मात्रा भी अक्षरों के आगे लगाई जाती है। ओ की मात्रा एक सीधी दंडी लेना, ऊपर एक टेढ़ी दंडी लेना, उसी तरह औ की मात्रा एक सीधी दंडी लेना, ऊपर दो टेढ़ी दंडी लगाना, ये है ओ और औ की मात्रा। तो बच्चों, पेज नंबर 50 पर देखो, पेज नंबर 50 पर देखो, क्या है इस पेज पर, ओ की मात्रा दी गई है। हमने इसे पहले भी सीखा है, और एक बार देखो बच्चों, ओ की मात्रा किस तरह होती है, हमने अभी सीखा है। ओ की मात्रा एक सीधी दंडी और ऊपर एक टेढ़ी दंडी, कुछ अक्षरों को लगाकर भी, यहाँ पर बुक पे दिया है ना, आपकी किताब में दिया है ना, क, क को ओ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है, को। ग, ग को ओ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है, गो। तो ओ की मात्रा अक्षरों के आगे लगाई जाती है। आगे देखो बच्चों, क्या है आगे, देखो समझो और पढ़ो। देखो समझो और पढ़ो में क्या दिया गया है बच्चों, कुछ चित्र दिए गए हैं। देखो समझो और पढ़ो में कुछ चित्र दिए गए हैं। इस चित्र में सबसे पहला वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो। सबसे पहला वाला चित्र है टोपी। सबसे पहला वाला चित्र क्या है, टोपी का है। ट अक्षर के आगे ओ की मात्रा लगाई गई है। ट अक्षर के आगे ओ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है, ट, टो। तो ये चित्र
टोपी का है। तो बच्चों बताओ कि टोपी के आगे वाला चित्र कौन सा है? बोलो, टोपी के आगे वाला चित्र कौन सा है? टोपी के आगे वाला चित्र है घोड़ा। टोपी के आगे वाला चित्र है घोड़ा। तो घ के आगे ओ की मात्रा लगाई गई है। घ के आगे ओ की मात्रा लगाने के बाद घ क्या बन जाता है? घो। तो टोपी के आगे वाला चित्र क्या है? घोड़े का है। घोड़े के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? बोलो, घोड़े के आगे वाला चित्र कौन सा है? घोड़े के आगे वाला चित्र है रोटी का। रोटी हम खाते हैं ना, खाते हैं ना आप सब जन? तो घोड़े के आगे वाला चित्र है रोटी का। यहाँ पर र अक्षर के आगे ओ की मात्रा लगाई गई है। र अक्षर के आगे ओ की मात्रा लगाई गई है। र अक्षर रो बन गया। तो ये चित्र रोटी का है। रोटी के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? बोलो, रोटी के आगे वाला चित्र है गोभी। कौन सा है? गोभी। गोभी से क्या बनाते हैं बच्चों? गोभी 65 बनाते हैं, गोभी मंचूरी बनाते हैं, गोभी की सब्जी बनाते हैं, है ना? आप सब जन खाते हैं ना? तो रोटी के आगे वाला चित्र गोभी का है। ग अक्षर के आगे ओ की मात्रा लगाई गई है। ग अक्षर के आगे ओ की मात्रा लगाने के बाद ग अक्षर क्या बन जाता है? गो बन जाता है। उसी तरह देखो बच्चों, गोभी के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों? बोलो, गोभी के आगे वाला चित्र कोयल का है। कोयल, कोयल क्या करती है? अपनी मीठी आवाज सुनाती है। क अक्षर के आगे ओ की मात्रा लगाई गई है। क अक्षर के आगे ओ की मात्रा लगाने के बाद क क्या बन जाता है? को बन जाता है। तो बच्चों बोलो, कोयल के आगे वाला चित्र कौन सा है? कोयल के आगे वाला चित्र कौन सा है? तो कोयल के आगे वाला चित्र बोतल का है। बोतल मींस मालूम है ना सबको? बोतल में पानी डालते हैं, जूस डालते हैं, तेल डालते हैं, है ना? यहाँ पर ब अक्षर के आगे ओ की मात्रा लगाई गई है। ब अक्षर को ओ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है बच्चों? वो बन जाता है। तो हमने ओ की मात्रा से बने कुछ चित्रों को देखा है और चित्रों के नीचे उनके नामों को देखा है। बच्चों आगे देखो, आगे क्या है? पढ़ो और बोलो, यानी ओ की मात्रा से बने कुछ शब्द दिए गए हैं। हमको क्या करना है? उसे पढ़कर बोलना है। मैं पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ बोलना। चोर, मोर, शोर, डोर, जोर, कोट, नोट, चोट, गोल, ढोल, छोटा, मोटा, लोटा, टोपी, मोती, तोता, खरगोश, रसोई, कटोरी, टोकरी। तो बच्चे ये क्या थे? ओ की मात्रा से बने कुछ शब्द थे। आगे वाले पन्ने पे देखो, आगे वाले पन्ने पे क्या दिया गया है बच्चों? ध्यान से देखो, सोचो और करो। इस पेज पे जो भी दिया गया है क्या करना है हमको? सोचकर करना है। सबसे पहले क्या है? चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और सभी चित्रों के नाम नीचे दिए गए हैं। सभी नामों में से सही चित्र का कौन सा नाम है सही चुनकर क्या करना है? उस चित्र के नीचे हमको लिखना है। तो बच्चों देखो, बोलो सबसे पहला वाला चित्र कौन सा है? बोलो, आपकी किताब में है ना? सबसे पहला वाला चित्र खरगोश का है।
कौन सा है? खरगोश। खरगोश के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो? खरगोश के आगे वाला चित्र है लोमड़ी का। लोमड़ी के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो? लोमड़ी के आगे वाला चित्र है तोता। खरगोश के नीचे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो? खरगोश के नीचे वाला चित्र है मोटर। मोटर के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो? मोटर के आगे वाला चित्र है गोल, यानी सर्कल। गोल के आगे वाला चित्र कौन सा है? बोतल। अभी हमने देखा है ना बोतल को, मोटर के आगे वाला चित्र बोतल है, बोतल के आगे वाला चित्र गोल है। इन सभी चित्रों के नामों में ओ की मात्रा लगाई गई है, ओ की मात्रा से बने शब्द है। तो बच्चों आगे वाले पेज पे देखो, आगे वाले पेज पे, पेज नंबर 52 पर देखो, आया मोर एक कविता है, छोटी सी कविता है। इस कविता के शब्दों में ओ की मात्रा लगाई गई है। तो कविता को मैं पढ़ती हूँ, अब भी मेरे साथ पढ़ना। तोते ने मचाया शोर, देखो वन में आया मोर। तोते ने मचाया शोर, देखो वन में आया मोर। भालू बजाए बड़ा ढोल, भालू बजाए बड़ा ढोल। कोयल गाए मीठे बोल, कोयल गाए मीठे बोल। धम धमा धम बाजे ढोल, धम धमा धम बाजे ढोल। धीरक धीरक कर नाचे मोर, धीरक धीरक कर नाचे मोर। छाए काली घटा घनघोर, छाए काली घटा घनघोर। बरसे पानी नाचे मोर, बरसे पानी नाचे मोर। यहाँ पर मोर है, एक वन है, वन में मोर है, भालू ढोल बजा रहा है, तोता घूम रहा है इधर से उधर उड़ा, कोयल मीठे बोल गा रही है। तो उसके नीचे देखो बच्चों, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शन चुनकर क्या करना है, उसके आगे टिक सही का निशान लगाना है। सबसे पहला वाला प्रश्न है, शोर कौन मचा रहा है? शोर कौन मचा रहा है? ऑप्शन है भालू, तोता। सही आंसर कौन सा है बच्चों? तोता। तोता शोर मचा रहा है। आगे वाला प्रश्न देखो बच्चों, वन में कौन आया? ऑप्शन है मोर, डोल। वन में मोर आया, सही आंसर क्या है? मोर। आगे वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, आगे वाला प्रश्न कौन सा है? ढोल कौन बजा रहा है? ऑप्शन है तोता, भालू। प्रश्न है ढोल कौन बजा रहा है? तोता, भालू। सही आंसर है भालू, ढोल भालू बजा रहा है। तो बच्चों हमने अभी क्या देखा है, ओ की मात्रा से बने शब्द, ओ की मात्रा से बने चित्र और शब्दों से बने एक छोटी सी कविता को हमने सीखा है। तो आगे देखो बच्चों, आगे वाले पन्ने पे पेज नंबर 53 पर क्या है, औ की मात्रा दी गई है। औ की मात्रा किस तरह होती है, हमने पहले भी सीखा है ना बच्चों। औ की मात्रा एक सीधी डंडी लेना, ऊपर दो टेढ़ी डंडी लगाना, यही क्या है औ की मात्रा है। औ की मात्रा कुछ अक्षरों को लगा के देखेंगे। क को औ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है बच्चों, बोलो? क को औ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? काऊ। उसी तरह च को औ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? चऊ। उसी तरह ल को औ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? लऊ। त को औ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? तऊ। त
तो हमने अभी क्या किया है बच्चों, कुछ अक्षरों को औ की मात्रा लगाकर देखा है। आगे देखो बच्चों, देखो समझो और पढ़ो। पेज नंबर 53 पर देखो बच्चों, देखो समझो और पढ़ो। इसमें क्या दिया गया है बच्चों, औ की मात्रा से बने कुछ चित्र दिए गए हैं। औ की मात्रा से बने कुछ चित्र दिए गए हैं। उस चित्र के नीचे उस चित्र के नाम दिए गए हैं और उस नामों में कुछ अक्षरों को औ की मात्रा लगाई गई है। औ की मात्रा लगाने के बाद शब्द किस तरह बनते हैं यहाँ पर हम सीखेंगे। इसे पहले भी सीखा है ना बच्चों, तो अभी भी और एक बार सीखेंगे। देखो पेज नंबर 53 पर सबसे पहला वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहला वाला चित्र है पौधा। सबसे पहला वाला चित्र कौन सा है, पौधा का है। यहाँ पर प अक्षर के आगे औ की मात्रा लगाई गई है। यहाँ पर पौधा इस चित्र में प अक्षर के आगे औ की मात्रा लगाई गई। प अक्षर को औ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है, पौ। तो बच्चों बताओ कि पौधा के आगे वाला चित्र कौन सा है, पौधा के आगे वाला चित्र है नौका। पौधा के आगे वाला चित्र है नौका। न अक्षर के आगे औ की मात्रा लगाई गई है। नौका इस शब्द में न अक्षर के आगे औ की मात्रा लगाई गई है। न अक्षर को औ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है, नौ। तो बच्चों नौका के आगे वाला चित्र कौन सा है, बोलो। नौका के आगे वाला चित्र है कौवा। कौवा इस शब्द में क अक्षर के आगे औ की मात्रा लगाई गई है। क अक्षर को औ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है बच्चों, कौ। तो बच्चों बोलो कि कौवा के आगे वाला चित्र कौन सा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, कौवा के आगे वाला चित्र है चौकी। चौकी पर क्या करते हैं हम, पूजा पाठ करते हैं ना। यहाँ पर च अक्षर के आगे औ की मात्रा लगाई गई है। च अक्षर के आगे औ की मात्रा लगाने के बाद च क्या बन जाता है बच्चों, चौ। तो चौकी के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो। चौकी के आगे वाला चित्र है तौलिया। यहाँ पर त अक्षर के आगे औ की मात्रा लगाई गई है। त अक्षर को औ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है, तौ। तो बच्चों बोलो कि बताओ मेरे को तौलिया के आगे वाला चित्र कौन सा है, तौलिया के आगे वाला चित्र है खिलौने। खिलौनों मींस मालूम है ना, छोटे बच्चे आप सब खेलते हैं ना खिलौने के साथ, सबके घर में होते हैं ना खिलौने, सभी को खिलौने के साथ खेलना बहुत पसंद है ना। तो तौलिया के आगे वाला चित्र है खिलौने का। यहाँ पर ल अक्षर के आगे औ की मात्रा लगाई गई है। खिलौने शब्द में ल अक्षर के आगे औ की मात्रा लगाई गई है। तो ये क्या था बच्चों, देखो समझो और पढ़ो था। आगे देखो बच्चों, पढ़ो और बोलो। यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, औ की मात्रा से बने कुछ शब्द दिए गए हैं। इस शब्द को क्या करना है, पढ़कर बोलना है। आप भी पढ़ना मेरे साथ, दौड़ लौट मौज मौन मौसी नौकर पौना चौड़ा मौका लौकी दौलत औषधि हथौड़ी मौसम चकोर पकौड़ी औजार गौरैया बिछोना सौदागर। ये क्या थे बच्चों, औ की मात्रा से बने कुछ शब्द थे।
आगे वाले पन्ने पे देखो बच्चों, पेज नंबर 54 पर क्या दिया गया। पेज नंबर 54 पर सोचो और करो। यहाँ पर जो भी करना है क्या करना है, सोचकर करना है, सोचकर लिखना है। चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उस चित्र के नीचे नाम दिए गए, उस सभी नामों में से सही चित्र का सही नाम यहाँ पर सोचकर लिखना है। पहला वाला चित्र कौन सा है बच्चों, पेज नंबर 54 पर देखो। सबसे पहला वाला चित्र है खिलौने। कौन सा है? खिलौने का। खिलौने के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो। खिलौने के आगे वाला चित्र है लौकी का। लौकी की सब्जी बनाते हैं ना, जूस बनाते हैं। तो बच्चों लौकी के आगे वाला चित्र कौन सा है, बोलो। लौकी के आगे वाला चित्र है चौकी का। तो चौकी पर क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। खिलौने के नीचे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो। खिलौने के नीचे वाला चित्र है गौरैया। गौरैया के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो। गौरैया के आगे वाला चित्र है कचौड़ी। कचौड़ी खाते हैं तो मुंह में पानी आते है ना, तो कचौड़ी के आगे वाला चित्र कौन सा है बच्चों, बोलो। कचौड़ी के आगे वाला चित्र है तौलिया। तो बच्चों हमने क्या देखा है अभी, चित्र देखकर नाम लिखो का लिखो को देखा है। आगे देखो, आगे वाले पेज पर, पेज नंबर 55 पर, औ की मात्रा से बने शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से एक छोटा सा पाठ दिया गया है। इस पाठ का नाम क्या है बच्चों, इस पाठ का नाम है गौतम की दुकान। तो गौतम की दुकान इस पाठ को हम एक बार पढ़ के देखेंगे। गौरी और सौरभ के घर के नीचे गौतम मिठाई बनाता था। गौतम की दुकान एक चौराहे पर थी। दुकान के बाहर बहुत पौधे रखे थे। एक दिन गौरी और सौरभ खिलौने से खेल रहे थे। भूख लगी तो वे गौतम की दुकान पर गए। उन्होंने कचौड़ी और लौकी की पकौड़ी ली। तभी दुकान में एक गौरैया घुस गई। रौनक बौना उसे उड़ाने लगे। गौरैया चौकी के नीचे छिप गई। दोनों बच्चे गौरैया को देखने लगे। जब वह उड़ गई तब जाकर मजे से कचौड़ी और पकौड़ी खाई। यहाँ पर गौतम की मिठाई की दुकान थी बच्चों। क्या थी? मिठाई। वहां पर गौरी और सौरभ क्या लेने गए थे? कचौड़ी और पकौड़ी लेने गए, क्योंकि उनको भूख लगी थी। जब वो गौतम की दुकान पे जाते हैं, वहां पर गौरैया उनके दुकान में घुस गई थी। इस गौरैया को देखने में थोड़ा समय बीत गया। बाद में जब गौरैया दुकान के बाहर गई तो गौरी और सौरभ क्या करे, गौतम की दुकान से कचौड़ी और लौकी की पकौड़ी लेकर खा ली। आगे देखो बच्चों क्या है। आगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के नीचे उसके ऑप्शंस दिए गए। सही ऑप्शंस पर क्या करना है, सही का निशान लगाना है। सबसे पहला वाला प्रश्न कौन सा है बच्चों, मिठाई की दुकान किसकी थी? मिठाई की दुकान किसकी थी, सौरभ की या गौरव गौतम की? सौरभ की या गौतम की? सही उत्तर है गौतम। सही उत्तर क्या है? गौतम। आगे वाला प्रश्न देखो बच्चों, दुकान के बाहर क्या रखे थे? ऑप्शन है पौधे, चौकी। क्या रखे थे? पौधे। आगे वाला प्रश्न देखो बच्चों, एक दिन दुकान में कौन घुस गया? एक दिन दुकान में कौन घुस गया? ऑप्शन है मैना, गौरैया। सही आंसर कौन सा है बच्चों, बोलो। सही आंसर है गौरैया। आगे वाला प्रश्न देखो बच्चों, गौरी क्या लेने गई थी?
गौरी क्या लेने गई थी? पकोड़ी, कचौड़ी। क्या लेने गई थी? कचौड़ी। तो आगे वाले पन्ने पे देखो बच्चों, एक छोटी सी कविता है। इस कविता का नाम क्या है? आई पकोड़ी। मैं पढ़कर सुनाऊंगी, देखो। दौड़ी दौड़ी आई पकोड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकोड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकोड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकोड़ी, हाथ में उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकोड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकोड़ी, मेरे मन को भाई पकोड़ी। धन्यवाद।